हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और गाइस, अभी सुबह के 10:30 बजे हुए हैं और हमारे घर पे ना छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, व्यू के दोस्त। ये देखिए, एक तो ये रहा। ओए वेदू, देखे बेटा इधर, सबको आए कर दो। नहीं करता व्यू, आप कर दो सबको आए। हाय, आई कर दी सबको। मामा भी कर दो सबको। तू भी कर दे, बाय। हाय कर दो, हाय कर दो। नहीं कर रहा ये ना, व्यू के साथ गया है। ये व्यू से छोटा है, लेकिन ये व्यू से बड़ा लगता है। है ना व्यू, बड़ा लगता है ना। ये व्यू का गुड़का भर लेता है और ये रोता है। फिर अभी अभी इसको इतने जोर से गिराया इसने, बहुत जोर से। ये बहुत देर तक रोया। अभी हम सब बैठे हुए हैं, आज मंडे है, मेरा व्रत है, मम्मी का भी व्रत है, तो हमने तो पूजा कर ली और जो सामान था हमारा खाने का व्रत का वो भी खा लिया। अभी बस खाना बनाऊंगी। व्यू के पापा भी नहा रहे हैं। अभी मैं व्यू की रील बना रही थी उधर पेड़ पौधों के पास, लेकिन ये खड़ा ही नहीं हो रहा था वहां पे। इसने तो वहां पे सुसु भी कर दी, लेकिन ये इसकी निकर लेके आई थी साथ में, इसने चेंज कर दी वो साथ के साथ ही। व्यू खा रहा था पूड़े, क्योंकि अभी माई पूजने का सीजन चला हुआ है, तो अभी हमारे घर पूड़े लेके आई थी कुछ आंटी, तो ये पूड़े खा रहे थे और नमकीन भी खा रहे थे साथ में। और व्यू बहुत नमकीन खाई व्यू ने। हैं, खाई नमकीन? नहीं खाई, कट करती इसने तो। गंदे बच्चे, झूठ बोल रहे, झूठे। ये देख लो, दोनों के दोनों दम लगा रहे पूरा सर ये खींचने में। तो गाइस, आज हमारे घर पे बनी हुई है दाल। ये देखिए, ये बनी हुई रखी है सुबह की, ये फिर से आ गई क्या जाब। और ये हमारे घर पे देखो गाइस, पूड़े और पतासे आए हैं। आपके यहाँ किस किस के यहाँ पे माई पूजी जा रही है, प्लीज कमेंट करके बताना। आपके यहाँ भी हमारी तरह माई पूजी जाती है? नहीं, हम भी 2-3 दिन बाद पूजेंगे, तो उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी कैसे हम यहाँ पे माई पूजते हैं। अभी ये रो रहे हैं, इनको देख लूं मैं क्या चाहिए। मम्मी ने भी और मैंने भी उनको पूड़े दिए, खाए नहीं। अब पीकू को दिए, पीकू के ले रहा हाथ में, दे दे खा लिए। दे 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 बेटा, इसे परेशान मत करा कर इतना। अरे हमने तो रोटी भी नहीं खाई। ले मैं और दे दूंगी, ले मम्मी और दे देगी उसे पूड़े। मत दे, देख ये दे दिए मम्मी ने तो, और ये खा गया ये बेटा। खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। क्या आदर नहीं लगा आपकी बार। बेटा दे दो, पीकू को पूड़े पसंद है। अरे एक और ले रहा है तो लीकू। ओए मेंढक डाल पसंद क्या, तू ये खा ले। देखो रहा और भी है, खा ले। मतलब पीकू की चीज बढ़िया लगती है। हाँ, पीकू की तो बस ही रोटी भी खा जा और बच गया। अरे अरे अरे, ले 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 गया बेटा। आप नहीं तो दिया उसे, वो थोड़ी कह रहा था जब उसके मुंह की तरफ को करेगा वो तो लेगा। पीकू सारे खत्म हो गए, ले 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 बस, दिखाइए बिना इसे। जब पूड़े दिए तब तो नहीं लिए इसने, लिए तो नहीं। अरे पीकू को दिया मम्मी ने तो वो ही उठा लिया नीचे से ही। सेट भी हो गए, सब काम हो गए, पर चले नहीं। क्या सेल नहीं, सेल है ये, नहीं सेल है, नहीं चले तो ये ज्यादा पावर क्या है ना, नहीं चले इसे ज्यादा पावर चाहती है। मम्मी कह तो रही थी ये 2 रुपए वाला है, मम्मी पापा इसके ऐसे ही है। चलता नहीं बिल्कुल भी। अरे भी पता रास्ते में क्या हुआ, जाम लग रहा था आराम से मंदिर में, मैं था गोरा था, तो एक गाड़ी वाला आया पूरी फास्ट भगा रखी, और फास्ट भगा तो बिल्कुल मारे, बिल्कुल ऐसे गया बिल्कुल बराबर में। हमने तो ऊपर तक बचने की सोची, पर नीचे सरिया था, टायर फटका बिल्कुल हमारे पैर में, हवा निकल गया भर देते। शुक्र है ईंट हटना पड़ी थी, थोड़े नहीं थे पैर टूट जाता आज। यही तो मंदिर के सामने, अरे पत्थर में सरिया बना रखा, मतलब वैसे ही। अच्छा अच्छा, हाँ पत्थर में रहे सरिया, ये सरिया डाल ले ना, तो काट रखे छोटे छोटे करके, पीट रखे ऐसे कर रखे, ये जैसे सरिया ऐसे मोड़ पे गई। हाँ मोड़ पे नहीं, बिल्कुल मंदिर के कोने पे ही। हाँ वहाँ तो, और बिल्कुल ऐसे टायर चढ़ते ही टायर बिल्कुल फट के बैठ देते थे।
अच्छा क्या तो तेज चला रहा था गांव में भी दिखा नहीं सर बिल्कुल बम ही डाल पड़ गया और बम पड़ गया। और गाइस अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और अब जाके मेरे लिए जूस बनना है, वो भी बनाना शेक, क्योंकि इसी टाइम उठा था, थोड़ी देर पहले ही उठा था। नहीं यार उठ तो मैं बहुत जल्दी गया था, बट हाँ उसके बाद मैं क्या करने गया था, मोटरसाइकिल लेके बाहर गया था। और गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के सॉरी, हाथ कैसे जोड़ हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे को बहुत लोग मिले, बीच रास्ते में भी मिले और वैसे भी मैसेज इंस्टाग्राम पे मैसेज, तो गाइस मैंने बहुत लोगों का रिप्लाई नहीं करा, मेरे को पता ही नहीं लगा क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है। आज मेरा फोन ठीक हो जाएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि आज वैसे भी जाम लगा हुआ है, तो मतलब आज कोशिश है। और मैंने कैसे ये दिन गुजारे हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को अपने वाले व्लॉग में बताने वाला हूँ, बट उसके ऊपर अलग से व्लॉग आएगा। हाँ बट बस पहले माफ कर दीजिए, सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सॉरी जिन्होंने मेरे को मैसेज करा और मैं उनको रिप्लाई ना दे सका क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं है। इंस्टाग्राम जो वगैरह होता है ना वो इसके फोन में चला हुआ है और इसका फोन मेरे को कम मिलता है, ये इससे भी पूछ सकते हो। जब भी मतलब मैं घर आया या घर हूँ 5 मिनट 10 मिनट मिला, फिर उसके बाद इसका खुद का भी काम है भाई, फोन नहीं था मेरे पास, इसलिए यार आई एम रियली 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 सॉरी। हर जोड़ अब एक दो दिन बाद आपको डेली व्लॉगिंग मिलेगी इनको देखने के लिए, वो पता नहीं इनकी क्यों क्यों नहीं पता, बनाऊंगी तो फिर। और फिर तो मेरे को यहाँ रसोई में इसलिए बुलाया था, बताऊँ किस लिए बुलाया था, क्योंकि मेरे सबके साथ नहीं मेरे को भी दिखाना था, क्योंकि ये जो सिरप है ना ये चॉकलेट वाला सिरप है और इस सिरप को ढूंढने में लाने में मेरे को भाई कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा था। वो आप लोग में देख सकते हो, नहीं कैसे देख सकते हैं, ये आज थोड़ी ना लेकर आया था, क्या पता हाँ। तो वो तब तो वो लोग भी नहीं बना रहे थे, तब वो लोग भी नहीं बना कर रहे थे, तब उसके लिए लाया था। अरे यार सच में बनाओ थे आप तब, मेरे याद है मैंने देखा व्लॉग में, पता नहीं तो ये बहुत मुश्किल से मिला था और आज जाके इसका यूज होना शुरू हुआ है, बट उससे पहले मैं इसकी एक्सपायरी डेट देख लूं, अभी है 13 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, 22 जून 2021 तो 22 जून आने वाली है 13, अच्छा 13 है तो मतलब बस तक मैं इसे यूज कर दूंगी डेली आपको। तो गाइस अब ये इसलिए यूज किया जा रहा है, ये जो मेरा बनाना शेक बना मैंगो शेक बना तो ये गिलास कंच का लेके इसके चारों तरफ लगा के तब इसको फीलिंग अच्छी आ रही है, बस जैसे कि हम बार पी रहे, जैसे आप बार पियो कोल्ड कॉफी वगैरह शेक वगैरह, तो गाइस ये देखो मैंने कल से ही स्टार्ट किया था, आज सेकंड टाइम कर रही हूँ, पता नहीं पता कैसे लगा इसे या देख लिया होगा किसी का। यस देखो गाइस अभी देखना डालने के बाद कितना अच्छा लगेगा, ये टन टन कैसा लगा। तो गाइस अपना बनाना शेक बिल्कुल रेडी है, मस्त लग रहा। गाइस अभी ना गाइस अभी ये वहां पे रख के आए थे ऐसे गिलास को, और मैंने बताया मैं इसमें रह रहा, तो गिलास उठा के लाए सिंक में से कि इसी में पीऊंगा डाल के। तो एक बार बता गंदा करूं दूसरा गिलास। तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में अभी मैं बस चावल बना रही हूँ, ये गैस पे बना रही हूँ क्योंकि लाइट आई नहीं, लाइट 9:30 बजे गई थी, अभी तक तो आई नहीं, पता नहीं किस टाइम आएगी, 12 बजने वाले है और चाचा जी का भी आने का टाइम हो रहा है ऊपर खाने के लिए, तो इसलिए मैंने गैस पे बना दिए। और दाल सुबह की रखी हुई है, ये थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी सी हो गई है, इसको थोड़ा पतला कर लूँगी इसमें पानी डाल के। और मम्मी और मेरा तो फास्ट है, हम तो दोनों खाएंगे नहीं, बस व्यू के पापा और चाचा जी खाएंगे, इनके लिए मैंने चावल बना दी क्योंकि इन दोनों को चावल बहुत पसंद है इसीलिए। और गाइस मेरे फेस पे आप देख सकते हो, ये देखो कितना गंदा हो रहा है, पता नहीं एकदम से एक्ने निकलने स्टार्ट हो गए, मुझे एक्ने तो लग नहीं रहे, ये थोड़ी एलर्जी टाइप हो रहा है क्योंकि इनमें ना थोड़ा थोड़ा दुख है, जब मैं बोलती भी हूँ ना तब भी इनमें दुख होता है, और इधर से तो मेरा फेस ना सूजा सूजा हो रहा। अभी ये देखो ये दो निकलनी स्टार्ट हुई है, आज सुबह ही निकली। गाइस अगर आपके पास कोई इसका ट्रीटमेंट है या कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो, क्योंकि मैं अभी दो तीन दिन पहले एक डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आई हूँ, लेकिन ना मुझे वो अच्छी नहीं लग रही, ना ही उस डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपको ये लगाना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि मुझे कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, उन्होंने बोला कि कोई सा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो बहुत टाइम से कम 5-10 दिन से ना मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर रही हूँ, कि मैंने सोचा कभी फेस वॉश से ही ना निकल रही हो, लेकिन मुल्तानी मिट्टी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे इस हिस्से में बहुत ज़्यादा हो गया है, ऊपर तो कम है माथे वगैरह पे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। अभी व्यू के पापा भी देख रहे हैं कोई डॉक्टर मिल जाए अच्छा सा, अगर आपके पास हो या आपने देखा हो या सुना हो
तो प्लीज आप कमेंट करके बताना, मैं जरूर जाऊंगी वहां पे अपना इलाज करवाऊंगी, क्योंकि बहुत गंदा फेस हो रहा है मेरा, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है ना, इस पे मैं कुछ लगा सकती और ना मैं अच्छे से इसे देख सकती खुद ही। गाइज प्लीज बताना। अभी ये जा रहे हैं अभी, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कौन आ रहा है हमारे घर पे। मेरे मामा जी का लड़का आने वाला है अभी, आपने पहले देखा होगा, तो अभी उसको लेने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई घर पे है नहीं तो इनको ही लेके आना पड़ेगा उसे। उसकी छुट्टियाँ चल रही है, अब छुट्टियाँ तो सबकी चल रही है, दो चार दिन में उसके स्कूल खुलने वाले हैं, तो इसलिए दो चार दिन रह लेगा, उसका भी मन लग जाएगा। बहुत टाइम से कह रहा था वो कि मुझे आना है, मुझे आना है, तो अभी फाइनली ये जा रहे हैं उसको लेने। और मैंने चावल बना के रख दिए हैं आपके लिए, जूते जुराब तो दे दो, जूते जुराब दे दी मैंने, चावल बना दिए, चावल बनाते ही तुरंत लाइट आ गई, मैंने गैस पे बनाए चावल, और कहीं पे बनते, इंडक्शन पे बनाती ना, मुझे पता नहीं था आज लेट आई लाइट। जूते देना, जूते दे रही। इधर व्यू अपना कचरी लेके आ गया है, इसकी दादी ने इसको दिला दी हुई कचरी, तो ये देख लो अब इतनी जबरदस्ती मत खा, एक एक टुकड़ा खा ले तोड़ तोड़ के। और गाइस अभी गाड़ी तो खड़ी हुई है नीचे, लेकिन बाइक नहीं है, बाइक मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्त को दे के आया था, अब मेरे को बाइक वापस लानी पड़ेगी उसके पास से, और बाइक पे जा रहा हूँ मैं। गाइस मेरे को इतने दिन हो गए हैं मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, इसकी ना पूरी कहानी मैं आप लोगों को अपने चैनल पे व्लॉग में बताने वाला हूँ, क्या हुआ था, क्यों नहीं आ रहा था, क्या सीन था, सब कुछ बता देने वाला हूँ ए टू जेड। और गाइस ये बस स्टैंड पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है, कोई नहीं है तेरे साथ, अकेला ही बैठा, तू बैठ ले। और ये ना ये अपनी बुआ के घर आया हुआ था, यानी कि श्वेता के पापा, क्या बोले यार, कहाँ आ रहा था तू, यहाँ कहाँ आ रहा था, ये अपनी बुआ जी के यहाँ आ रहा था, अब कहाँ जाएगा, अब अपनी दीदी के घर जाएगा, अब अपनी दीदी के घर जाएगा ये, तो चलो चलते हैं भैया, मिल गया ये मेरे को। श्वेता को इतनी ज़्यादा उतावल लग रही थी इसको देखने के लिए, बाहर ही आ गई कि आया नहीं आया, इसको लेके आए नहीं आए, जब इसे लेने के लिए गए थे तो लेके आना था ना ये, चाचा आ गया ये, अरे पैर तो छूले अपनी दीदी के, इनके भी छूले, कौन गेट बंद कर रखे भी उसकी वजह से, क्यों चाचा जी को परेशान कर रहा, उधर से बंद है, खोल दे मेरे ब्लॉग, ओहो ये ढूंढ रहा कौन आया घर में, पता कौन आया, देख इधर है, इधर ये रे क्या हुआ, तो बोलू बोलू कहां से आया, ये अपनी बुआ के घर से आया, पीकू का पक्का दोस्त है ये, पूरे महीने कोई नहीं है ना, हाँ। तो पूरा घूम रहा है अपना पूरा गोटा फुल करेगा पूरे साल का। अभी मैं अभी के लिए खाना लेके आ गई हूँ, दाल चावल और छाए, और ये ना अपने कपड़े निकाल के दे रहा है, मम्मी ने ना धो के डाल रखे होंगे, तो इसके जो गीले कपड़े हैं वे सारे मम्मी ने मुझे इसमें दे दिए थैले में, तो अभी ये बोल रहा है कि इनको सुखा दो ये गीले है। व्यू और अभी की तो बहुत अच्छी जमगी है, देखो सारे दोनों बैठ के खेल रहे। व्यू व्यू कहाँ है मामा, मामा कहाँ है, कहाँ है मामा, वेरे वेरे मामा। मैं अभी सोच रही हूँ कि इसके साथ कोई चैलेंज रखूँ खाने वगैरह का, क्योंकि खाने में पूरा एक्सपर्ट है, ये कह रहा है कि कुछ भी रख लो खाने में 100 रुपये की शर्त लगाई है, मैंने बोला 100 रुपये ले भी रहा है अगर आ रही है फिर 100 रुपये देगा कहाँ से, तो बोला 100 रुपये मेरे पास है। तो गाइज आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इसके साथ मैं चैलेंज वीडियो रखूँ या ना रखूँ, अगर आप बोलोगे कि हाँ रखो और भी क्या वो भी बताना क्या चैलेंज करें, तो हम जरूर करेंगे, पक्का करेंगे, मेरा बहुत मन है चैलेंज वीडियो करने का, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना। नीचे खड़ा होकर पानी नहीं पीता, खुद में आ गए पहले तब पानी पिए, आते ही किचन में कहेगा कि मुझे पानी दो, पानी दे दे फिर बोले गोद में लो, गोद में लेके मुझे पानी पिलाओ, तो अभी मैंने इसको गोद में लिया तब ये पानी पी रहा है, इसकी भी फरमाइश अलग अलग ही है। और ये देखो अभी हमारे पास और भी बच्चे आ गए, पर ये अभी ज्यादा छोटी है, ये तो व्यू के साथ का है, ये भी आ गया, अब खेलने का टाइम हो गया ना, तो अब ये भी खेलेगा, अब एक घंटा यहीं पे खेलेगा, हैं एक दो दिन में ये चला जाएगा, फिर व्यू इसको मिस करेगा। व्यू हाथ निकाल, परसों को चले जाओ, बैठ जा ना, बैठे भी क्या है इसके खड़े बीमारी अभी वो व्यू देखो कैसे चल रहा इसके साथ साथ आदरक है। तो गाइस जी आ चुके हैं, वो
आपको बोलने लग रहे हैं नीचे। और ये पापा जी थैला लेके आए सामान का। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 8:30 और मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ। खाने में मैंने पराठे और इधर ये चाय है। और व्यू अभी मम्मी के पास है, अभी वो यहीं पे था, अभी वो चला गया, अभी उसका यही चलता रहेगा जब तक नींद नहीं आएगी। कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर अभी। और उसके जीजू यहीं पे बैठे हुए हैं, दोनों जीजा साला बैठ के बातें कर रहे हैं और ये अपना काम भी कर रहे हैं साथ में, और इधर ये फोन भी देख रहा है। गड़बड़ हो गई जिस वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे ना, उसी की बड़ी कारण आज फिर से हो गया है। आज मेरे को वो लेके आना था, ठीक होना था, आज बिल्कुल ओके होना था सारा सामान, बट क्या हुआ आज भी पेंडिंग में था, आज भी ठीक नहीं हुआ। तो सॉरी, आज हाथ जोड़ के फिर से मैं माफी मांगना चाहता हूँ, 1-2 दिन और नहीं आ पाएंगे। आई एम रियली 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 सॉरी। 2 दिन बस, पता नहीं यार वो सब उनके भरोसे है, दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चलानी पड़ रही है ना, तो इसलिए गड़बड़ हो रही है। सॉरी यार, प्लीज माफ कर देना। तो गाइस इसी के साथ आज के व्लॉग में अपना ये एंड करते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मैं इसके साथ क्या चैलेंज वीडियो रखूं। कल ही बना दूंगी मैं, कल जो ये वीडियो आएगी ना आप तभी कमेंट कर देना, मैं हो सकता है इसी टाइम हम बना दे, बैठे बैठे बनाए जाएंगे और क्या है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।